जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.2 से 6.3% की उम्मीद बनी हुई है। भारत की जीडीपी 2022 में 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। यहाँ सी का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट और एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। किसी देश में फिक्स टाइम पीरियड के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी होता है। भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसको लेकर एक बज बना हुआ है पिछले 2 सालों से। दरअसल S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक 2030 तक भारत के 7,300 से ज्यादा अरब अमेरिकी डॉलर के घरेलू उत्पाद की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.2 से 6.3% की उम्मीद बनी हुई है। इस सर्विस की माने तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के मुताबिक 2021 और 2022 में अर्थव्यवस्था की तेजी को भारत ने 2023 में भी जारी रखा है। 31 मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2-6.3% रहने की उम्मीद है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था हो सकती है। देखा जाए तो अप्रैल जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही है। वहीं भारत की जीडीपी 2022 में 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिका वर्तमान में 25,500 अरब अमेरिकी डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4,200 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर 4,000 अरब करोड़ डॉलर के साथ जर्मनी बना हुआ है। वहीं भारतीय जीडीपी का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। भारत की जीडीपी अभी 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। हम ये क्यों बात कर रहे हैं और जीडीपी क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम हो जाता है। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011 से 12 यानी कि 2011 से 12 में गुड्स और सर्विस के जो रेट थे उस हिसाब से कैलकुलेशन। वही नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। यहाँ सी का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट और एन एक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी की घट बढ़ के लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता है? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला, आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत में जीडीपी का स्तर लगातार बढ़ रहा है उससे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसमें और तेजी लाने की कवायद सरकार लगातार कर रही है, इसमें हमारी भी पूरा योगदान है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई भारत की ताकत जो है वो बढ़ रही है।